जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर आज मेरे साथ मौजूद हैं सरहद पार जनाब रमनीक सिंह मान साहब, जो कि आपको पता है एक बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी हैं और बड़ा दबंग किस्म का एनालिसिस करते हैं माशाल्लाह, और अपने देश का जो है ना जबरदस्त दिफा करते हैं। मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी मेहरबानी चीबा साहब, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा मान साहब, पहला सवाल ही मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपसे आपको जरा पहला जरा थोड़ी टफ गल होएगी, फिर थोड़ा सा हम जो है ना थोड़ा सॉफ्ट उधर होंगे। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया कल, मैंने वो देख रहा था, दी वायर ने भी और बाकी भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं सबने लगाया हुआ है, कि उन्होंने ये कहा कि जी ये जो पुलवामा था ये सारा स्टेज था, और दो फैक्टर हैं जो कि अर्नब गोस्वामी साहब की जो चैट सामने आई है, जिसका भारत में भी बहुत चर्चा है, पाकिस्तान में तो है ही है, और भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बड़ा प्रेशर डाल रही हैं कि वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए, और इस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं रमनीक सिंह मान साहब, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट इसको अगर इस इशू के मुद्दे को उठा लें, तो आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली गलत चीमा साहब ये है कि जहां तक तल्लक है इमरान खान साहब का, तो मैं तो ये समझता हूं कि वो झल्ला जवली हमारी जनता तो तुम उन्होंने सीरियस ले जन्दे हो। डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। और जितने तक सवाल पलो है जी, होता इमरान खान चलाया हो गया। है होर कौन है झल्ला, इमरान ही तो है। साढ़े इंडिया च देखो, साढ़े इंडिया च भी एक पप्पू है, थोड़े पाकिस्तान च एक पप्पू पप्पू पठान। पप्पू पठान नु तुसी वजीर आजम बनाता, असि बच गए। असी अपने पप्पू नहीं बन दिता वजीर आजम। वी डिड नॉट लेट आर पप्पू बिकम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। थोड़ा पप्पू पठान बन गया, हुण जवलियां मारी जांदा। देखो, एज यू नो चिबा साहब, यू विल हैव योर वर्ड, इट इज योर शो आफ्टर ऑल, तुसी सारा कुछ कंडक्ट करना। मैं तो इतना कहूंगा कि ही इज नॉट कॉल्ड इम द डिम फॉर नथिंग, ठीक है। तो इफ जेकर ओदियां गल्लां नूं असी सीरियसली लैण लगे इंडिया च, फिर तां सर गया साडा जी, फिर तां सर गया। बट टू बी ऑनेस्ट, इन एवरी सीरियसनेस अबाउट द पुलवामा अटैक, लेट इट बी वेरी क्लियर, वाजे तौर पे तुसी समझ जाओ, आप समझ लें इस बात को कि इसके अंदर कोई शक नहीं, किसी बात की कोई कोई शुबा नहीं है। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो वजीर हैं, उन्होंने आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कबूला है कि इमरान खान की कयादत में हमने जो हासिल किया, पुलवामा में हमने बदला लिया। तो ये एडमिशन कोई छोटा एडमिशन नहीं है व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। चलो, मैं जरूर ये कहूंगा कि आप तुसी भी एक बार इसे सांच कह दो कि इमरान भी झल्ला आया, तो फिर जो थोड़ा वजीर है जो बयान दे गया वो भी झल्ला आया। मैं ये समझना है, मैं आई फील कि आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तारीख में आज तक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बना के इस्तेमाल किया है, और ये चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे और जितने यहाँ पे दहशतगर्दी की मसले हुए हो, चाहे आप उसको 26/11 का बॉम्बे का अटैक ले लीजिए, उससे पहले जो 93 में हुए हैं बॉम्बे में अटैक, वो सब आप लोगों का उसके अंदर क्लियर फुटप्रिंट है। और इसके इसके ऊपर डॉजियर्स के बाद डॉजियर्स आपको दिए गए हैं, और आप लोग नहीं मानते हो, कहते हैं पंजाबी जरा कोई मरिया मुकरिया होता की इलाज है, तुसी मनते ही नहीं, कुछ दे दो आपको, आप मानते कहाँ है साहब। अच्छा, आपने बेसिकली मान साहब बात की, मैं आपने कहा जी इमरान खान चल रहा है, मैं तो एक चीज आपसे पूछना ये चाहता हूं कि 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क, और वहां पे अगर वजीरे आजम अपना इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे मुल्क पे एक स्ट्राइक कर दे, तो चला इनू आंदे ने कि चला ओनू आंदे ने जरा तुहाडा फड़े पायलट वापस कर दे। सुन ले, मैं आपको सवाल डालना, मैं आपकी भी तरफ बोलना नहीं, मैं मान साहब आप एक इंतहाई डिसेंट पर्सनालिटी है, चल्ला उसको कहेंगे जो दूसरे मुल्क में घुस के, घुसे तो खैर नहीं थे लेकिन अपने ही मुंह से चीमा था। साहब, चलते चलते मन गए थे, कोई गल नहीं। सुन ले, चले बात तो सुन ले, सुन, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आपका मौका ये था कि हम अंदर आए, हमारा ये था कि वहीं से आपने मारा शॉट। एनी हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप भारत से भी हमें मार सकते हैं, और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अंदर भी आ सकते हैं, और हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, हम यहां से भी मार सकते हैं और यहां से टारगेट भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं मान साहब, बड़ी अपनी अपनी अकल और दानिश से बात बतानी है।
एक बंदा जो अपना इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे मुल्क पे हमला कर सकता है, चला ओनू कहोगे? या एक प्राइम मिनिस्टर जो जंग को बचाने के लिए, अवर्ट करने के लिए, जहाज गिरे हुए पायलट को, पकड़े हुए पायलट को वापस करे, चला ओनू कहोगे? ओनू तो दुनिया, उसको तो इमरान खान साहब को तो दुनिया कहती विजनरी, द मैन हु अवर्टेड क्राइसिस, द मैन हु वेंट फॉर पीस। तो मैं जस्ट इसी से मैं बात ले रहा हूं। मैं एक ही इंसिडेंट पे दो वजीर वजराए आजम का मौकफ दे रहा हूं। आप अपना मौकफ देख ले, हमारे वजीर आजम का देख ले, आप और मैं शायद अच्छा फैसला ना करें। दुनिया ने तो इमरान खान के हक में फैसला कर दिया था, मान साहब कि नहीं सर? पता नहीं मेरे को आप कौन सी दुनिया में जीते हैं। वो मेरे ख्याल 4 मुल्कों की आपने एक दुनिया बना रखी है। आप समझते हैं कि उसके बाहर दुनिया है ही नहीं। वो कहते ना खूं दा मेंढक बिच्ची बैठा टटर करी जाना, बाहर दा पता ही कुछ नहीं है। सो बहरहाल कोई बात नहीं, आपने अपना सवाल पूछा, बा जिसे कहते हैं बाकायदा और लहजा आपने सवाल पूछा। लेट मी आंसर आपको, मैं बताता हूं चल्ला क्यों कहते हैं। समझो आप, जब हमारे फौजियों के सिर काट के आपकी फौज वहां फुटबॉल खेलती थी, और कई दफा यहाँ पे ऐसा हुआ। सुनो 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 सुनो, नहीं ऐसे हाथ ना उठाओ, आपकी बीएटी है, बॉर्डर एक्शन टीम है आपकी, आप पता करो जरा सच्चाई है। उस वक्त की जब सरकारें थी हमारे देश में, उस वक्त क्या होता था, बिरयानियां खिलाते थे आपके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में बुला के, और अब आपके घर में घुस के मार रहे हैं। और ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपको अगर गलतफहमी है तो वैसे तो आप मान गए कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। बालाकोट भी हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए, और ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में जाके भी करी है इंडिया ने। तो आप छोड़ दीजिए, जहां जहां हमारे देश का दुश्मन होगा उसको घर में घुस के मारेंगे, उसके घर में घुस के ठोकेंगे, उसके अंदर आप बेफिक्र रहना। ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया। वो आपका नया पाकिस्तान कैसा है वो देख रही, सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा चीमा साहब, मैंने कई बार आपको बड़े चैनलों पे सुना और आपने कई बार कहा है इस बात को, मेरे ख्याल आप आज भी दोहराएंगे कि बालाकोट में तो कुछ पेड़ गिरे थे, कुछ चीड़े और कौए मरे थे, ये आपका एक मैंने कई बार वर्जन सुना है। तो सलूट है साहब आपके देश को, आप इतने एडवांस हो गए हैं, पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है, अमेरिका चाइना से आप आगे निकल गए हैं कि आपके मुल्क में चिड़े कौए और पेड़ भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो 300 मोबाइल वहां पे पाए गए थे, जो जो एक टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस के ऊपर बात आई थी, तो आपके मुल्क के चिड़े कौए और पेड़ भी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की, और मैं आपको वाजे तौर पर बता दूं, आप समझ लीजिए इस बात को, कि आपके देश के दो हिस्से एक नियाजी ने करवाए थे, जनरल ए के नियाजी, उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान के कमांडर थे, उनके चलते दो पाकिस्तान के हिस्से। और ये दूसरा नियाजी है ना जो आपका, ये आपका मुल्क खो देगा आप, मैं इसलिए कहता हूं इससे जरा संभल के रहो आप। ये वाकई चल रहा है, बिलीव मी फॉर सेइंग दिस। आप इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं यूएन जनरल असेंबली में जाके इसने बोली है वो सुनिए, जिस तरह का इसका कंडक्ट है आपके मुल्क के अंदर आप उसको देखिए। ही इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है चीमा साहब, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि ये कैसा इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, किस तरीके का इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूं चीमा साहब, आप सुनिएगा। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसे इलेक्शन होते हैं कि उसके अंदर रिगिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। जैसे हम कहते हैं बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन रिगिंग, देयर इज नो स्कोप। तो यहां पे कंटेस्ट करना पड़ता है, यहां पे उस इलेक्शन को फाइट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पॉपुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन वोट बैंक, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ पीपल एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि फौज ने कुछ किया और इलेक्शन जीत गया। सर जी, मैं एक बात बताऊं, आप बड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या भारत का कल्चर पाकिस्तान से अलग है? मुझे एक, मैं मैं आपको जस्ट बता देता हूं, अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक आप इन सॉरी सॉरी बोलिए, प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपका और हमारे कल्चर में किसी चीज का फर्क नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान में वो फौज आ गई, ये आ गई, वो आ गई। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, मैं समझता हूं कि इस बात को थोड़ा प्रोडक्टिव करनी चाहिए, रेटरिक नहीं होनी चाहिए। मान साहब, एक काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका और हमारा कल्चर कोई फर्क नहीं है। तुसी अटलांटिक ओशन च नहीं बैठे, ए नाल ही थोड़ा जहा 200 किलोमीटर थोड़ा इतने चंडीगढ़ है, तो सारा कुछ तो एक ही कल्चर है, चीजें एक ही, माइंडसेट, अप्रोच, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोच, सारा कुछ एक ही है। तो जो भारत में इलेक्शन होते हैं, जो भारत में नेता है, जो भारत में लोग हैं, वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी इलेक्शनों, सुन लेना सर जी, सुन ले, सुन वहां तो रहा हूं मैं, पे तोड़ हिला रहे जी। यू कांट भी स्टॉप मी फ्रॉम नॉकिंग माय हेड।
मैं तो आई एम डिसएग्रीइंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, बट आई एम लिसनिंग, प्लीज गो अहेड। जब मैं ऐसे करता हूं तो आपको फिर बुरा लगता है, तो मैंने कहा मैं नहीं नहीं आप करते रहिएगा, मैं तो चाहता हूं आप करते रहते रहिए अपना पूरा समय, आप बोलिए तो सही, मैं सुन रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिशियंस दोनों तरफ एक तरह के हैं और दोनों का दिल करता है कि हम अपनी मर्जी से चीजों को करें और अपना जो है वो मर्जी करें। आपने बात की सबसे पहले वो जी खुदा मेंढक थे, पता नहीं क्या क्या बातें शुरू कर दी आपने, कहा ना वो स्ट्राइक की बात की सर जी उसकी, और वो मैं आपको कुछ नहीं, ये है वो एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जिसने आपकी बेसिकली जो सो कॉल्ड आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका भांडा फोड़ा था कि जहां पे वो कहते हैं हमने निशाना मारा वो बिल्डिंग पहले भी वो ये देख ले वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये उन्होंने प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सारे फ्रेम लेके कि वहां पे कुछ भी नहीं था जिसको उन्होंने हमला किया, वेरी प्रिसाइज मिस, ठीक है। सो मैं एक बात बताऊं, ये तो हमने नहीं कहा, ये तो ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन मान साहब यहां से थोड़ा आगे सफर तय करना है, अगर एक पॉजिटिव सफर आप करें तो रेट्रिक मैं भी कर सकता हूं कि आपने हमारे फौजी मारे, हम कहेंगे आपने फौजी मारे, तुसी साढ़े बंदे मारे, असी थोड़े बंदे मारे, ये तो मसला ही नहीं है। मैं तो इस डिस्कशन को इस तरह लेके चलना चाहता हूं, अगर आप रेट्रिक करेंगे बार बार हम एक दूसरे को तुसा इस तरह कीता असा इस तरह कीता तो कोई फायदा नहीं होगा, पीपल वोंट लाइक दिस डिस्कशन बिकॉज वी आर टू एजुकेटेड पर्सनैलिटी सो फार, पढ़े लिखे लोग ही हम कंपेरेटिवली बहुत सारे मुआचरे के और लोगों से, सो पीपल एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम अस। मैं एक पढ़ा लिखा एनालिसिस आपसे चाहता हूं और वो जारी बात है इस हवाले से मान साहब कि जो एक है आपका पर्सपेक्टिव, एक है जैसे अर्नब गोस्वामी साहब का, एक प्राइम मिनिस्टर का और एक आपकी ओपोजिशन का। मैं आपसे एनालिसिस लेना चाह रहा था, मैं आपसे समझना चाह रहा था दैट दिस चैट विच गॉट लीक्ड, ठीक है, ये इसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुई इंडिया के अंदर। मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई डोंट स्पीक फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेट, आप भी इसी तरह इंडिपेंडेंट पर्सन। सो इन एन इंडिपेंडेंट पोलिटिकल एनालिस्ट आपकी नजर में रेटरिक हम कर सकते हैं और करेंगे भी शायद, लेकिन आई थिंक वी शुड अवॉइड इट। आपकी नजर में ये जो एक स्कैम आया है अर्नब का और पुलवामा के ऊपर और जो कुछ होगा, इसको वाकई ही भारत में ये समझा जाता है कि ये मीडिया का और बीजेपी का नेक्सस है, ये जरा इस पे बताइएगा, फिर मैं फौज पे बाद में आता हूं। देखिए चीमा साहब, आपने दो तीन बातें बड़ी अच्छे तरीके से रखी। पहली बात तो ये कि आई डोंट नीड एनी एविडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस टू टेल मी व्हाट हैज हैपेंड इन बालाकोट। आई रादर ट्रस्ट माय एयरफोर्स चीफ, आई रादर ट्रस्ट माय मिलिट्री, आई रादर ट्रस्ट माय प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट। मेरे को कोई बाहर के किसी चौथे मुल्क से, वी डोंट वॉन्ट एनी एविडेंसेज और वी डोंट वॉन्ट एनी analysis coming from there. We have our own intelligentsia. We can analyze. हम analyze कर सकते हैं, हमारे को पता हमने क्या किया है। अब उसको retort करने के लिए या उससे बच के भागने के लिए या आप face saving के लिए आप कुछ भी कीजिए, doesn't matter. दूसरी बात जो आपने कही है about Arnab chat leak and everything else, तो उसके अंदर देखिए जो बात जिसको लेके ये सारा मसला चल रहा है कि जी did he have a beforehand information? No. Was it apparent? या ये वाजे था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? Yes. क्या ये सिर्फ अर्नब तक लिमिटेड था? No. ये जो सेंटिमेंट आपके मुल्क के खिलाफ हुआ उन अटैक्स के बाद, वो 135 करोड़ भारतीयों का, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सेंटिमेंट था जो होना ही था और पता था, और भारत के बच्चे बच्चे को पता था। क्यों? उसका मैं कारण बताता हूं। 22 फरवरी 2019 को टोंक में, राजस्थान में एक जगह है टोंक, टोंक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ये वाजे तौर पे कहा था कि हम इन इन शहादतों का बदला लेंगे, वी विल अवेंज दीज डेथ्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी को इमरान खान ने खुद कहा था कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। इसके अलावा आप ये समझ के चले कि इसके ऊपर यूके से और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया will retaliate। तो ये वाजे था, ये कोई अर्नब की एक चैट में अगर कोई बात आ जाती है, या मैं और आप भी हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं आज जैसे हम बात कर रहे थे, अगर वो चैट कल को भी लीक होती है तो वो बात तो हुई है, उसमें क्या समस्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एंड इफ देयर इज अ पब्लिक सेंटीमेंट अगेंस्ट योर कंट्री
फॉर प्रमोटिंग टेररिज्म इन आर कंट्री, तो उसको फिर आपको सहना भी चाहिए ना। जेकर आप मारने की कुवत रखते हैं, चाहे वो आप सीधे तौर पे नहीं कर सकते, आप अपने जो टेररिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, तो जब आप मार पड़ती है तो उस मार को आपको मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नहीं पाजी, एक बात है, आप इसको प्रमोटिंग टेररिज्म कहते हैं और हम ये कहते हैं कि वहां पे जो लोग हैं जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो दरअसल देखिए ना, दो डिफरेंट नैरेटिव है। हम कहेंगे पाजी कि भाई जी वो तो देखें, दैट दैट इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दोज पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दिस इज द मदरलैंड, इंडिया इज एन इन्वेडर। आप कहते हैं नहीं भाई, पहले तो आप डिफेंसिव थे कि हाँ यार मसला बायलैटरल है, इसको हल कर लेंगे, इसको पाकिस्तान और भारत को हल, नहीं सुन लेना, जो पाकिस्तान और भारत को हल करना चाहिए। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं ये तो यूनिलैटरल हो गया भाई, ये तो हमारा, इससे अब लेना देना ही कोई नहीं है। सो पाजी, एक जस्ट एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, डोंट यू बिलीव दैट इंडिया अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है? एक तो कश्मीरियों के साथ जो पुरानी कमिटमेंट की वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पीछे हटा लिए, जो आपकी ग्लोबल कमिटमेंट थी उससे आपने कहा जी कि नहीं, दिस इज फ्रॉम बायलैटरल टू यूनिलैटरल। सो पाजी, व्हाट इज द काइंड ऑफ रियलाइजेशन इन इंडिया सिंस मैं बताता हूँ। आपका जो एक ग्लोबल क्लाउड बढ़ा है, तो आपने ये फैसला कर लिया है कि ना तो हमने जो कमिटमेंट कश्मीरियों से की है उसको ऑनर करना है और ना पाकिस्तान और ग्लोबल कम्युनिटी से ऑनर करना है। सो इंडिया प्रॉपरली ये हजम कर गया सारा कुछ कि भाई अब थोड़ी सी आबादी बढ़ गई है, मार्केट बढ़ी है, लोगों को हमारी जरूरत है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी बड़ी हेल्प की है, तो बस सोन हड़प कर जो एंड फॉरगेट द नॉर्म्स, द वैल्यूज, द रूल्स बेस्ड सिस्टम ऑन विच द इंटायर ग्लोबल स्ट्रक्चर स्टैंड्स, ऑन विच इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी। ओके ओके चीमा साहब, आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, थैंक यू। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन दो, बट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इनसाइड योर कंट्री। आपके मुल्क के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चल रहा है कि जो शिमला समझौता था और जो लाहौर डिक्लेरेशन था, उससे आपको अब पार्लियामेंट में जाके बैकआउट करना चाहिए। ये आपके आपके मुल्क के अंदर भी एक नैरेटिव चल रहा है, एक चीज है। दूसरी चीज, आपने बात करी समझौतों की, आपने बात करी 370 की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये 35 और 370, इट वॉज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। आई रिपीट माई सेल्फ, टेम्परेरी अरेंजमेंट। टेम्परेरी आपके मुल्क में कितने दिन होता है? टेम्परेरी दिन, 4 दिन, 2 महीना, 70 साल इस मुल्क के अंदर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट चलता रहा। उस टेम्परेरी अरेंजमेंट को खत्म कर दिया। आप इसको कहें कि कमिटमेंट थी, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, वो हटा दिया गया, और उसके लिए जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे वर नॉट इवन प्रिपेयर टू डू इट, इट वॉज इंसर्टेड। नेवर माइंड दैट, वो हो गया, कोई बात नहीं, वो 70 साल बाद वो खत्म हो गया। इट हैड टू बी अनडन, एंड इट इज अनडन, इट इज अ फैक्ट। और दूसरा, आप जो कहते हैं कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, बायलैटरल इशू का साहब, आपकी नजर से, आपके पास जो, मैं अगेन, आप बोलेंगे कि मान साहब आप रिटोरिक कर रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट, जो कश्मीर आपके पास है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट विल कम बैक वन डे। और आपने कहा कि इंडिजीनियस स्ट्रगल है, तो चीमा साहब इंडिजीनियस स्ट्रगल तो आपके सिंध में भी हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, वहां पे पोस्टर लेके लोग सिंधु देश की मांग कर रहे थे, उससे पहले आपके बलूचिस्तान में कब से चल रहा है? और आप इस बात को मानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये लोग सब, आप यू रिकॉग्नाइज दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और आपको पता है कि बलूचियों का एक स्ट्रगल है और वो आपके मुल्क का 48% इसलिए आपके मुल्क का 48% है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप उस बात को बुरा मान गए, बट मैं फैक्ट दोबारा स्टेट करता हूँ, पप्पू पठान जो है वो आपके देश को तोड़ के मानेगा, ही इज नॉट अ गुड लीडर फॉर योर कंट्री। आप देखिए, आप, आई आई सल्यूट योर पेट्रोटिज्म, आप अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए यू शुड बी ऑल डिफेंसिव एंड ऑलवेज। मैं सहमत हूं इस बात से, पर यार पप्पू पठान के लिए थोड़ा सा ना, ये इट इज नॉट रियली रियलिस्टिक, समझ रहे हैं आप? मैं केवल, आपने जो बातें कही उनके अंदर से द की टेक अवेज आर, नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ, आपने कहा ना कि हमारे मुल्क के अंदर और आपके मुल्क के अंदर और हमारी सोसाइटी में और आपकी सोसाइटी में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, आपने 200 किलोमीटर तो चंडीगढ़ गिनवा दिया मेरे को मेरे भाई, पर जो आपसे कई हजार किलोमीटर बांग्लादेश था, वो कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, जो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी उनको लेके, वो इसलिए अलग हुआ। हमारे मुल्क में तमिलनाडु भी है, हमारे मुल्क में केरला भी है, हमारे मुल्क में आसाम भी है, हमारे मुल्क में बंगाल भी है। आई डोंट स्पीक देयर लैंग्वेज, मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकता, मेरा उनका कल्चर डिफरेंट है, बट हमारा मुल्क एक है, हमारा तिरंगा एक है, हमारा निशान एक है, हमारा संविधान एक है। आर कंट्री, आर फ्लैग, आर कॉन्स्टिट्यूशन,
आर इंडियननेस यूनाइट्स अस ऑल। और वो जो दिक्कत है ना पाकिस्तान में आपके आती है, कहीं ना कहीं केपीके के साथ पंजाब का कल्चर मैच नहीं करता, सिंधियों के साथ आपकी भाषा मैच नहीं करती, बलूचियों को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिक्कतें देखिए यहाँ पे अगर आप गिनाना चाहेंगे तो आपके मुल्क छोटे से मुल्क में इतनी दिक्कतें हैं। और जहां आपने अर्नब की बात करी, मैं आपको एक बात वाजे तौर पर बता दूं, आई नो अर्नब फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ, मैं कई सालों से उसको जानता हूं। मेरी तरह वो भी एक फौजी का लड़का है, ही इज ऑल्सो अ मिलिट्री ब्रैट। तो उसके लिए उन चैट्स में अगर आप पढ़ोगे ना तो आप देखेंगे उसने कई जगह कहा है नेशन फर्स्ट नो कॉम्प्रोमाइज विद द नेशन, यानी मुल्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देश पहले है, मुल्क पहले है, सब मुल्क है तो हम हैं, मेरा निशान है, अगर मेरा मेरा झंडा है तो मैं हूं, उसके बिना मैं नहीं हूं। और माफ करना चीमा साहब, आप मेरी बात को ना तो रिटोरिक मानिएगा, और इट इज ए इंटेलेक्चुअल टॉक बेसिकली। अगर आपके मुल्क के अंदर आपके सियासतदानों ने और आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं उन्होंने अगर, या फौज बीच में शामिल कर लीजिए, अगर उन्होंने बंगालियों को अपना भाई माना होता, अपने सीने से लगाया होता, तो इस तरीके की दिक्कत ना आती। आप लाख हिंदुस्तान को गुनाह दीजिए, इल्जाम दीजिए, पर अगर आप लोग एक होते तो आपको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था दुनिया में, यह भी एक सच्चाई है। और हम लोग एक हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अंडमान तक, और पंजाब राजस्थान से लेके अरुणाचल तक, हिंदुस्तान एक है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान को तोड़ते। चले अच्छी बात है, सारी बात अपने मुल्क के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि देखें, आप प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे जी पप्पू पठान, यहाँ पे मोदी साहब को दहशतगर्द कहा जाता है कि यार ये तो मुसलमानों के खून का प्यासा कातिल है, इसने तो गुजरात में रॉयट्स कराए। तो अगर मैं मोदी साहब को कातिल कहूंगा, आप उसको पप्पू पठान कहेंगे, दिस विल नॉट बी गुड लैंग्वेज। सो रादर डिसरिस्पेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑन बोथ साइड्स, आई थिंक वी शुड बी सोबर ऑन दिस। बट जो आपने बात की, एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती मान साहब, देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक, बट मैं उससे आगे निकलते हुए एक अहम पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, दो एक अहम पॉइंट है। आपको पता है कि ये जो आप बलोच लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, इसको यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने दहशतगर्द जमात करार दिया है, और जिसको भारत स्पॉन्सर करता है, जिसको कुलभूषण यादव स्पॉन्सर करता था। सुनिएगा आप, अभी मुझे एक बात बताएं, क्या बलोचिस्तान के ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस हैं? क्या बलोचिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तान ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस तरह आपने कश्मीर के ऊपर, जस्ट आपके लफ्ज ले रहा हूं कि आपने जी वो इंटरिम अरेंजमेंट किया हुआ था कश्मीर के ऊपर, क्या पाकिस्तान ने कोई इंटरिम अरेंजमेंट बनाया हुआ बलोचिस्तान के ऊपर? क्या बलोचिस्तान के ऊपर कोई हमारा और आपका या किसी का कोई मुआहदा है? क्या बलोचिस्तान जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर की तरह? एक तो भारत मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग इसको इससे कैसे लिंक करें, एक बात। हालांकि हम और भी रेड कॉरिडोर है इंडिया में, बड़ा कुछ गिना सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। मुझे एक बात का, वन पॉइंट का मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ पाजी। इंडिया जो है बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच रिपब्लिकन आर्मी को क्यों फाइनेंस करता है, और क्यों दहशतगर्द जमातें जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक कौम मुत्तहिदा ने और अमेरिका ने भी दहशतगर्द जमात कहा है, उनको भी कुलभूषण यादव साहब देते हुए पकड़े गए थे, जब आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब से मिले थे उधर इजिप्ट में, तो वहां पे शर्मुल शेख में, वहां पे भी हमने डॉसियर दिए थे, हम तो बड़ा पुराना कह रहे हैं। ये भारत में कोई रियलाइजेशन है कि जो भारत पाकिस्तान में बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करता है, इसको बंद करना चाहिए? इज दिस रियलाइजेशन और नॉट येट? देखिए चीमा साहब, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, वो एक ना कहा होता है, कहते हैं कि भी छाज तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें सो छेद है। आपके मुल्क के अंदर एक, आप देखिए ना, आप 48 से ले लीजिए, वो कबायली कौन थे जो आए थे, इंटरफेरेंस किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एसेशन पाकिस्तान के साथ साइन किया था, जिन्ना साहब के साथ साइन किया था कि इंडिया के साथ साइन किया था, जरा उसको देख लीजिएगा। और आप ये बता दीजिए 11 अगस्त 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ था, किसको इंडिपेंडेंस मिली थी? क्या आप लोगों ने जबरन बलोचिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया? शाह ऑफ कलात कब आपके साथ आना चाहता था? देखिए कई सारे, देखिए हिस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे मसले मसाइल और मुद्दे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जाने कब तक जिंदा रहेंगे। बट मैं आपको एक बात वाजे तौर पर बता देता हूँ, विद और विदाउट इंडियन सपोर्ट, हालांकि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो आप अभी अभी चला दीजिए ना आपके स्क्रीन के ऊपर, अभी जिस तरह आप चला रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर इंडिया, देखिए कुलभूषण जाधव को आप जो देखिए बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी, आप समझते होंगे इस बात को।
आप कुलभूषण जाधव को कहां से उठा के लाए और आपने कैसे उसको जैसे फोर्स कन्फेशंस कहते हैं एक्सट्रैक्ट किए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको कितनी मार पड़ रही है उसके ऊपर वो आप भी जानते हैं। बहरहाल, नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ इट, मैं आपको वाजे तौर पर बता देता हूं कि कश्मीर इज अ अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो आपके पास है और या जो कुछ हिस्सा उधर अक्षय चिन्ह में है, समय आएगा, वक्त आएगा, दीज बॉर्डर्स विल बी रीड्रॉन, और आप देखेंगे कि ये जो खित्ता है, ये जो हिस्सा है, ये वापस भारत के साथ जुड़ेगा, ये वापस इंडिया के साथ जुड़ेगा, जो जबरन कब्जा किए हुए टेरिटरीज हैं ये वापस आएंगे। बहरहाल, बलोचिस्तान का जहां तक सवाल है चीमा साहब, बलोचिस्तान का जो एक इंडिजिनियस स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, एक मूवमेंट है, और आपको मैं बता दूं, अनलाइक कश्मीर, वी डोंट शेयर अ बॉर्डर विद बलोचिस्तान। आपके और बलोचिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा बफर जोन है। अगर उसके बावजूद आप कहते हैं कि इंडिया उनको फाइनेंशियली और वेपनरी के माध्यम से और उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रही है, तो मैं समझता हूँ इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अगर ऐसा कुछ है तो। हालांकि मेरे को पता नहीं है इस बारे में, और मैं इस बात को यकीनन मानता हूं कि हमने कभी भी किसी भी इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री के अंदर हमने इंटरफेयर नहीं किया, जिस तरह आप इंटरनल मैटर्स को लेकर इंटरफेयर करते हैं। और एक मैं आप फिर वही बात आ जाती है कि इमरान खान साहब, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ टुडे, उनको अगर एक इंडियन जर्नलिस्ट को लेके उनको ट्वीट करने पड़ते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द जर्नलिस्ट इन इंडिया या द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आपके पास आपके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, आपके पास फॉरेन मिनिस्टर है, आपके पास 100 तरीके के मंत्रालय हैं वहां पे, 100 तरीके के आपके पास डिप्लोमेट्स हैं। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन जंप करके आगे खड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि साहब इंडिया में ये हुआ और वैसे हुआ, और जिस तरीके का नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं, मैं हैरत में होता हूं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। एक एक सेंक्टोरम होता है, एक सेंक्टिटी होती है पोस्ट की, उसको तो मेंटेन कर लेते हैं वो। बहरहाल, आपने कई बातें कहीं भारत के तलक में, और आपने कई बातें कहीं कश्मीर के तलक में, और आपने कई बातें कहीं बलूचिस्तान के तलक में। तो आप ये, मैंने आपको पहले कहा कि वी आर अनडिवाइडेबल, ये समझ लीजिए आप कई सालों से लगे हुए, वी आर अनडिवाइडेबल। दूसरा, कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और तीसरा, यस आई इन पर्सन रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ बलोच पीपल फॉर लिबरेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब अगर आपको उससे समस्या है, तो मेरे को भी आपकी बातों से समस्या है, सो लेट्स कीप इट टू दैट। उससे आगे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट कि आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिए, मैं अपना नैरेटिव अपने साथ रखता हूं, पर आपको वाजे तौर पे एक बात समझनी पड़ेगी चीमा साहब, कि एक झूठ को 1,000 बार बोलने के बाद भी वो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं होएगा। तो फैक्ट चीमा साहब ये है कि बलोचिस्तान इज अ टेरिटरी विच हैज बीन फोर्सिबली ऑक्यूपाइड बाय योर कंट्री एंड विच विल इवेंचुअली गेट फ्रीडम फ्रॉम यू। चलें देखते हैं क्या होता है। और जारी बात है, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जो है जारी बात है नहीं, बनता कि नहीं था चीमा साहब, बनता नहीं था। लेकिन मतलब आई डोंट नो हाउ डू यू लुक एट इट, बट पर्सनली मैं, अगर अगर पाकिस्तान के अलावा भी किसी बड़े मुल्क का भी कोई अगर पत्रकार यानी कि सहाफी होता, तो अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली उसको एड्रेस करता है, या मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर उनको डायरेक्टली टारगेट करता, तो उस बात को मैं भी उस बात को लेके आई वुड हैव रजिस्टर्ड माय प्रोटेस्ट, कि बनता नहीं है कि टू स्मॉल अ पर्सन फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू डायरेक्ट एड्रेस टू डायरेक्टली एड्रेस। सॉरी, प्लीज। मेरा ख्याल है इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट बेसिकली ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है जिसको पाकिस्तान देख रहा है और जिसको भारत में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच अगर मेरा है ना, तो पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, स्पेशली इमरान खान शुड बी हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक मेरा ख्याल है मान साहब, इसमें जो चीज लिंक है ना, वो लिंक जो है वो लिंक समझना चाहिए कि वो उसमें हमारा हमारी बात हो रही है ना पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन एनी हाउ, दिस इज प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू ट्वीट और नॉट। और मोदी जी तो जारी बात है उस तरह अंग्रेजी में ट्वीट नहीं कर सके, स्टाफ रखा हुआ है। इमरान खान का ये वो खुद ही कर लेता है। अच्छा अच्छा एक बात है, जारी बात है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा इतना तो फायदा। अच्छा एक सर, तनख्वाह पहुंचाऊंगा थोड़ा प्रधानमंत्री ने, वो महीना। आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कल भी सोच रहा था ये, मैं वैसे आपसे इंटरनल पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं, जो मुंबई पुलिस है मान साहब, उसने ये केस दिया कोर्ट में कि जी देखें ये चैट है, बेसिकली तो वो जो टीआरपी गुरु हैं उनके हवाले से वो सारा था, लेकिन चैट में उसने कोई केस उसके अर्नब के खिलाफ नहीं है, लेकिन सारी बात है चैट अर्नब के साथ है। एक बात बताएं, मुंबई पुलिस में, वह महाराष्ट्र में तो शिवसेना की हुकूमत है,
हमारे यहाँ जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई, मुझे काइंडली हेल्प कीजिएगा क्लैरिफाई करने में, समझने में और मेरे व्यूअर्स को, ये इंटरनल आपका सवाल है कि जो मुंबई पुलिस है उसको भी तो पता था कि ये किस तरह की नेशनल सिक्योरिटी चैट है, लेकिन क्योंकि मुंबई इज कंट्रोल्ड बाय शिवसेना और उनका वहां पे है, तो नरेंद्र मोदी जो है उनकी सरकार, वो जो पुलिस है वो लोकल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर लोकल सब्जेक्ट होने की वजह से वहां की सरकार के कंट्रोल में है। तो आप ये समझते हैं कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो बेसिकली नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नेशनलिज्म, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और हिंदुत्व और ये सारे प्रोजेक्ट्स को, इन आइडियाज को कंट्रोल किया हुआ है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडियन हिस्ट्री राइट नाउ इस वक्त, और बड़ा चल रहा है। सो ये जरा मुझे समझने में मदद कीजिएगा, क्या शिवसेना नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करना चाह रहे थे और वो बीजेपी का, क्योंकि जो रिपब्लिक टीवी उसको कहा जाता है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया, तो या वो या मीडिया को वो एक्सपोज करना चाह रहे थे, या वो समझते हैं कि ये जो हिंदुत्व का और हिंदू नेशनलिज्म का और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव सारा बीजेपी के पास चला गया, तो ये हमारे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, सो मोदी को एक्सपोज करें, रिपब्लिक टीवी को एक्सपोज करें और ये चीजों को। सो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं काइंडली? देखिए चीमा साहब, आई विल टेक यू बैक इन हिस्ट्री। अगर आप शिवसेना का इतिहास देखेंगे, उनकी तारीख देखेंगे, तो जब सबसे पहली बार शिवसेना का जब कोई आदमी चुनाव लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, तो वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ा था। तो शिवसेना को उंगली पकड़ के खड़ा करने वाले बीजेपी वाले ही हैं। और इसके अंदर आप कोई दो राय ना रखिएगा कि दोनों ही जो पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, दे आर हिंदुत्ववादी पार्टीज। बट एक फैक्ट हुआ है ये कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से दे हैव बिकम मोर सेक्युलर। आप मोदी को लाख गालियां दीजिए, पर आप एक चीज को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आगा खान ट्रस्ट है, उसको कितने पैसे मोदी साहब ने दिए हैं, और माइनॉरिटीज के लिए मोदी साहब ने कितना एलोकेशन किया है, और माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए कितना फंड एलोकेशन किया है। और अभी थोड़े दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो उनका सेलिब्रेशन था, उसके अंदर देखिए, मैं ये समझता हूं कि when a person becomes the prime minister of this country, he per se becomes the prime minister of 135 crore people. उसके अंदर कोई धर्म नहीं होती, उसके अंदर कोई जात नहीं होती, उसके अंदर कोई जुबान नहीं होती, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, उसके अंदर कोई मजहब नहीं होता, और उसके अंदर कोई जेंडर नहीं होता। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे देश की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है। और दूसरी बात, जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है या जहां तक शिवसेना की बात है, तो आप अर्नब की बात कर रहे हैं, आप देखिए कंगना को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, आप देखिए कि पालगढ़ के अंदर जो साधुओं की लिंचिंग हुई वो किस तरह से। देखिए एक एक चीज जब होती है ना, जब आप प्योरली आप होते हैं, जब आप शिवसेना विशुद्ध रूप से शिवसेना होगी, तो वो अलग तरीके से दिखेगी। और जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ दामन डाल के और हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तो देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। तो अभी ना सिर्फ मातोश्री जो कि शिवसेना के जो प्रेसिडेंट है उद्धव ठाकरे, उनका रेजिडेंस है, बल्कि 10 जनपद यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया है उनका उनका रेजिडेंस है, और बल्कि 1 सिल्वर ओक रोड जो कि शरद पवार का रेजिडेंस है। तो ये तीनों, मातोश्री, सिल्वर ओक और 10 जनपद का एक कंकॉक्शन है, और ये बड़ा पॉइजनस सा कंकॉक्शन है ना, बहुत लोग खुश नहीं है। और जमहूरियत के अंदर ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह हम एग्जाम देते हैं ना, तो सब कहने के लिए 33 नंबर पे पास होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में कितने पे आप पास करते हैं, तो 33 पे पास होते हैं, तो 11-11 वाले 3 मिलके पास हो गए, समझ रहे हैं आप। तो ये जमहूरियत का जो सही डिस्प्ले है, इट्स नॉट अ ट्रू डिस्प्ले ऑफ डेमोक्रेसी। बहरहाल दिस इज परमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है, तो वहां पे सरकार बन रही है, चल रही है। अब अगर आप एक आदमी के प्रति नफरत या घृणा रखें, चाहे वो एक सहाफी यानी कि जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक राजनेता पॉलिटिशियन हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, तो यू कैन एक्ट इन वॉट एवर मैनर यू विश टू, बट इवेंचुअली वो जो चार्जशीट का पार्ट है और वो जो जिन आप व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे हैं, दे हैव बीन सबमिटेड टू द कोर्ट। अब वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो इनक्रिमिनेटिंग है या नहीं है, वेदर इट वॉज एंटी नेशनल और नॉट, वेदर इट वॉज ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और नॉट, ये कोर्ट डिसाइड कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना कीजिए। और हमारे कोर्ट्स बहुत कॉम्पिटेंट है इस चीज को लेकर। नहीं, वो तो हमें पता चल गया था जब
वो जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने गिराया था और डिमोलिश किया था, सब रिहा हो गए थे, वो पता चल गया था हमें, कोर्ट बड़ी सुनिए कॉम्पिटेंट सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं देखिए 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 देखिए, पता क्या है, अभी आपके यहाँ पे भी मंदिर गिरा थी, मतलब ऐसे नहीं, देखो आपके यहाँ पे मंदिर गिरा, कौन सी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, कौन सी सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक मिनट चीमा साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मंदिर बनवाया था जिसको तुम्हारा आप लोगों ने तोड़ दिया। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप राम जन्मभूमि की बात हो रही है, अभी वो चल रहा है यहाँ पे इंडिया के अंदर, एक एक मूवमेंट चल रहा है, वो कलेक्शन कर रहे हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं आपको वाजे तौर पर बता दूं, 492 साल, लगभग 500 साल की जंगों और लड़ाइयों और उसके बाद एक लीगल बैटल के बाद गवर्नमेंट ऑफ सॉरी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, और उसके अंदर अलग अलग, चाहे वो सुन्नी पर्सनल लॉ, सुन्नी वक्फ बोर्ड था, शिया वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, एवरी साइड वॉज हर्ड एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया हैव एक्सेप्टेड इट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान ने कबूल किया है, तस्लीम किया है। तो आप पाकिस्तान में बॉर्डर के पार बैठ के आपको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए हुक्म के ऊपर, जिसके ऊपर सभी मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अपनी सुनिए अपनी सहमति जताई है, उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं बनता पाकिस्तान में बैठ के उसके बारे में बात करें। और मैं आपको बताऊं, जितने मंदिर गुरुद्वारे, और मैं बता देता हूं एक बहुत बड़ा, आपके सिंध के अंदर तो साहब बहुत बड़े तादाद के अंदर वहां पे बुद्धिस्ट मंदिर हुआ करते, गुंपा हुआ करते थे, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट हुआ करते थे, जिनको आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने तो खैर क्या, मतलब ये जो इन्वेडर्स आए उन्होंने कन्वर्ट किया और पीसफुली कन्वर्ट किए कई लोग वहां पे। और जितने गुम्पे और बुद्धिस्टों की मोनेस्ट्रीज और गुरुद्वारे और मंदिर पाकिस्तान में टूटे हैं ना साहब, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने का रिकॉर्ड होगा ना साहब, वो पाकिस्तान के नाम जाएगा हैंड्स डाउन। कंप्लीट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक आखिरी बात, काइंडली इसको डोंट गो इन रेटरिक, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। नहीं रेटरिक नहीं, मैं आपसे मेरिट पे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरिट को रेटरिक इंटरप्ट करेंगे तो चीमा साहब अच्छी बात नहीं है। सुने सुने, जो मैं तो सिंपल वन लाइनर बात थी के जो रिसेंटली कर्क में हुआ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसके सू मोटो नोटिस लिया और कहा कि जिस बंदे ने, सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, द पॉइंट इज नॉट दैट सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया, द पॉइंट इज हुआ क्यों ना सर जी, सुने तो सही ना, मैं बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी जिस बंदे ने किया है उससे पैसे लें और उसी से बनवाएं, लेकिन उधर से हम ये कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि आपके जो लोगों ने गिराया, लोगों को भी रिहा कर दिया जिन्होंने गिराया, और मंदिर की जगह मस्जिद भी, मस्जिद की जगह मंदिर भी बन गई। मेरी काइंडली, मैं जस्ट हैव टू कंक्लूड इट, आई गेव यू इनफ टाइम प्लीज, बिकॉज आई हैव टू मूव ऑन ना। लेकिन मान साहब, आपके साथ हमेशा बात बड़ी तंदो तेज रहती है, डिस्कशन होती है, एंड यू ऑलवेज कम विद द आर्गुमेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है। गो के बाद मेरे खिलाफ हो या मेरे हक में हो वो एक और चीज है। सो इट्स ऑलवेज प्रिविलेज टॉकिंग यू, एंड वी कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स, बाय द वे वी केम फॉर वन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। जय हिंद, जय।